हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? आज मैं करंट रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आप लोगों के लिए? कल मुझे किसी ने पूछा कि ना मैम, कल या परसों आया था, किसी ने लिखा था कमेंट सेक्शन में कि मेरे पार्टनर ने मुझे ना बोल दिया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। तो मैं ये सब चीज़ों का, अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आप बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हो तो ये चीज़ होना बहुत स्वाभाविक है और बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर वो पर्सन आपको किसी भी तरह से इनडायरेक्ट वे में रिस्पॉन्स नहीं दे रहे या इनडायरेक्ट वे में आपसे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपका ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आप देखिए रेड फ्लैग्स है क्या वहाँ पे। वो एक्चुअली आपको प्यार करते हैं कि नहीं करते, कि उन्हें वन साइडेड लव है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दोनों साइड लव होता है डेफिनेटली। एक पर्सन किसी मजबूरी की वजह से भाग रहा होता है, या तो उनकी फैमिली प्रेशर होता है, या वो खुद से भाग रहा होता है इसलिए वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता है या करती है। समझ रहे हो? आपको आप उनकी खुद की एक चाइल्डहुड वूंस या एंसेस्टर कर्म होते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या आपके बगैर रह नहीं सकते और कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं आपका ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ, या आप उनकी तरफ देखो, उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेशन करो, उनको भाव दो, ये सब चीज़ वो करते रहेंगे। तो आप देखिए कि आपके पर्सन इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो। आप इनर वर्क करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? चक्रा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अपने एंगर, जेलेसी, फियर फैक्टर पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अपनी खुद की एक चक्रा एक्टिवेशन जब तक आपकी नहीं होगी, आप लोअर चक्रा से ऑपरेट करोगे, आप फियर से ऑपरेट करोगे, आप जेलेसी से ऑपरेट करोगे, हेट्रेड से ऑपरेट करोगे, तब तक आपका यूनियन होना बहुत मुश्किल है। अगर जब आप अनकंडीशनल लव की फीलिंग में आने लग जाओगे, आप अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करने शुरू कर दोगे, तभी आप समझिए आप हायर चक्रास में आ गए हो। आप अपनी बात रखने से डरते नहीं हो, अपनी बात स्पष्टता से एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको इंट्यूशन पावर आपकी इंक्रीज हो गई, तब आप समझिए कि आप हायर चक्रास पे ऑपरेट करना शुरू कर दो। हो फ्रेंड्स, आज को आप समझ रहे आ रहा है कि आप लोग को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखो, बैलेंस का कार्ड आ रहा है, एक तरह से टेम्परेंस का कार्ड है। इसमें दिख रहा है, इसमें लायन के मुंह से है ना वो आ रहा है, ब्लड आ रहा है, वो जमा कर रहा है। तो ये ना एक तरह से बहुत स्ट्रांग, मतलब आपके पर्सन, मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही हो उनके, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही हो, तो वो नेगेटिविटी निकल के आप लोग एक बैलेंसिंग फैक्टर में आ रहे हो। आप भी बैलेंस हो रहे हो, आपके पर्सन भी बहुत बैलेंस हो रहे हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली एक एम्परर है या एम्परेस है, या आप एम्परर और एम्परेस हो, दोनों एक अप्लाई कर सकते हो। दोनों का जो जैसे भी आपका जेंडर, आप वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग पर्सनलिटी, आपने भी बहुत स्ट्रेंथ रखी है ये बैलेंस गेन करने के लिए। बैलेंस मतलब एक समझ, टेम्परेंस होता है कि हीलिंग का कार्ड भी होता है। तो आप लोगों की हीलिंग बहुत स्ट्रांगली चल रही है, क्योंकि आपके अंदर बहुत हो सकता है पास्ट लाइफ का कर्मा जमा हो, या पास्ट लाइफ के इश्यूज़ है जो आपको फियर, जेलेसी या ना बस ये सब चीज़ें आपके लोअर चक्रा से बहुत ज़्यादा जमाती, जो आपके निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग का सेपरेशन बेसिकली किया गया था। लेकिन अभी वो सिचुएशन मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही है आप लोगों की, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन, ये वैंस का कार्ड है, ये ना ये क्वीन बहुत ही जेनरस, स्टाइलिश, ग्रेशियस और प्रेशियस, प्रैक्टिकल होती है। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल है आपके पर्सन एट प्रेजेंट। वो एक एक्शन लेने की सिचुएशन में आ रहे हो। क्वीन ऑफ वैंस मतलब उनकी फैमिली एनर्जी डेफिनेटली एक डेवलप हो रही है, ऐसे नहीं कि डेवलप नहीं हो रही है। और वो है ना आपको इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, एक आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी डेफिनेटली इस तरह की है। और प्रिंस ऑफ वाटर है, वो भैया बेबी स्टेप्स लेना चाहते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके प्रिंस ऑफ वाटर, विंटर का कार्ड आ रहा है। तो ये आपके ऑटम और विंटर के बीच में ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों का होते हुए। प्लस इसमें ग्रीन और ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हार्ट चक्रा भी आपके पर्सन के एक्टिवेट हो रहा है, और थ्रोट चक्रा भी डेफिनेटली एक्टिवेट हो रहा है। तो मुझे इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की लग रही है। वो क्या एक्शन ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्शन ले रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। बहुत स्लो चल रहा है आपके पर्सन। आपका प्रिंस और प्रिंसेस दोनों, देखो दोनों आ रहे हैं। आप भी अभी क्या बहुत समझ गए हो, आपको पता है कि ये पर्सन बहुत, मतलब आपके पर्सन है ना बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, तो आपको समझ आ गया कि ये पर्सन को किस तरह से हैंडल करना है, बेसिकली किस तरह से इनको मनाना है या किस तरह से इनसे बातचीत करनी है। अभी आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, अभी आप ट्रिगर नहीं होते हो, क्योंकि जिससे आप किस तरह से वो लायन को हैंडल कर रहे हो, तो आपको ये लायन है, लायनेस जो भी हो, तो आप उसको हैंडल करना सीख गए हो बेसिकली। अभी आप उनको
बताए कि ये पर्सन को किस तरह से इनके ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं, या आपके ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं, या इनकी कमज़ोरी कौन सी है, या इनकी प्लस पॉइंट कौन सी है। तो अभी आप दोनों जन एक दूसरे की तरफ, मुझे से लग रहा है, बेबी स्टेप्स ले रहे हो। मतलब अगर वो अगर रिस्पॉन्स नहीं भी दे रहे तो आप भी उस तरह से उनको प्रेशराइज नहीं कर रहे हो कि आप ये करो वो करो, इस तरह से आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी आप एक डिवाइन फेमिनिन के पावर में आते जा रहे हो, आपके पर्सन भी डिवाइन मैस्कुलिन के पावर में आते जा रहे हो। तो दोनों जो एक बैलेंसिंग सिचुएशन में, आपको बार बार बोल रहे हो, बैलेंसिंग सिचुएशन में आ रहे हैं, दोनों की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी मर्ज हो रही है, दोनों की पावर जनरेट हो रही है, ऐसे बोल सकते हो। आपके पर्सन एक बार बार बोल रहे हो एम्परर बन रहे, एक एक्शन ओरिएंटेड प्रिंस या प्रिंसेस बन रहे, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन में जितने भी कार्ड आ रहे हैं उसमें प्रिंस या प्रिंसेस आ रहे हैं, या क्वीन आ रहे हैं, या एम्परर आ रहे हैं, तो मतलब वो है तो मतलब किंग की एनर्जी में या एम्परर की एनर्जी में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन क्या बहुत स्मॉल स्टेप्स के साथ में, एकदम ऑल ऑफ अ सडन आके जंप नहीं करना चाहते, समझ रहे हो। वो आपसे आएंगे, आपसे अपनी बातचीत एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ब्लू कलर ग्रीन कलर बहुत आ रहा है, तो उनका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। वो हो सकता है कि आपके जो आपको बोल नहीं पाते थे अपनी फीलिंग्स पहले, वो अभी आपको बोल पाएंगे, क्योंकि वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं या बहुत ज़्यादा लस्ट के पीछे घूमते हैं, या बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ होती है ना, उनके थ्रोट चक्र बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड होते हैं, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते स्पेशली आपके सामने, और आपसे बहुत डर लगता है, आपकी आँखों में आँखें डाल के वो देख नहीं सकते, क्योंकि उनको एक आपसे फियर जैसा लगता है, क्योंकि उनका थ्रोट चक्र बेसिकली ब्लॉक्ड होता है। ये कि आपसे एकदम बहुत ऐसे ना, आपके हाथ में वापस ऐसे बोल सकते हो, उनकी वो जो लव फीलिंग है ना फिर से बहुत, आप लोग को जब डेवलप हो, आप लोग साथ में आओगे तो वो डेवलप होगी ना, आप लोग को एक बहुत अलग ही फीलिंग लगेगा, क्योंकि बबल फेज से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपका ये जो फेज़ है। तो आपके पर्सन ने बहुत कुछ सोच के रखा है आपके लिए इस तरह के, मुझे ऐसे लग रहा है। उनके लवर्स कार्ड भी आ रहा है, ये पर्सन आपसे डेफिनेटली देखो कमिटमेंट देना चाहता है आपको। इसमें देख रहे इसमें लवर्स कार्ड कैसा है, इसमें कमिटमेंट देते हुए या शादी करते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रू लव उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरा पर्सन मेरा ट्रू लव है, और आपको आके कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन पहले जो उनका स्टेप होगा ये कमिटमेंट के पहले ही उनका बेबी स्टेप चलने वाले हैं। मतलब थोड़ा हो सकता है कि धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो ले, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सब चीज़ फास्ट फास्ट हो गए, फास्ट फास्ट ब्रेकअप हो गया, तो वो ये नहीं चाहते कि इस बार वैसी सब चीज़ हो, तो वो क्या स्लोली स्लो पेस पे चलेंगे, लेकिन इसको डेफिनेटली कमिटमेंट की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे बोल सकते हो। इस तरह के आपके पर्सन की भी बेसिकली एनर्जी चल रही है, वो आपके कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनकी कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है, कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वाओ देखो मैंने बोला ना, वो आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह, वाओ आई जस्ट कैन बिलीव इट। और ये हो सकता है कि पहले आप लोग के रिलीजियस फैक्टर कुछ ऐसे रहे होंगे लव लाइफ में जो अफेक्ट कर रहे थे आपके स्पिरिचुअल पाथ को, आपके लव लाइफ को, क्योंकि आपका ये जो लव है ये भी स्पिरिचुअल लव है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लव है, ऐसे बोल सकते हो। आपके पर्सन आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पर्सन आपको स्ट्रांगली कमिटमेंट देना चाहता है, देना चाहती है, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, ये ड्रीम वो देख रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ वो आपके साथ फ्लर्ट भी इक्वली करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका दिमाग में है कि आपके साथ में डेटिंग करे, आपके साथ में घूमे फिरे इंजॉय करे, क्योंकि वो इन हनीमून का प्लान भी बना चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके साथ में हनीमून पे कहां जाना है, या किस तरह से आपको कहां, आपकी आपकी पसंदीदा जगह जो है वो, या फेवरेट प्लेस हो वो आपको वहां पे ले जाना चाहते हो। ये पर्सन डेफिनेटली वेडिंग हनीमून फ्लर्ट ये सब चीज़ इनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली चल रही है आपके लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स है, जल्दी से ये तीनों कार्ड्स जल्दी से नहीं खुलते एक साथ में, तो ये कार्ड्स खुल रहे थे मतलब आपके पर्सन के दिमाग में डेफिनेटली ये चीज़ चल रही है, फॉर मैं वो श्योर बोल सकती हूँ। वो डेफिनेटली कमिटमेंट, क्योंकि इसमें भी लवर्स देखो किस तरह का लवर्स है, इसमें शादी करते हुए दिखाई दे रहा है इसमें, और इसमें भी पर्सन आपसे वेडिंग करना चाहता है, ये भी एक वेडिंग का कार्ड है, प्लस ये हनीमून करना चाहते हैं आपके साथ, हनीमून भी जाना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में इंटीमेट होना चाहते हैं, बहुत इंजॉय करना चाहते हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। तो ये इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है। एक भी एक दो मैसेजेस मैं आपके पर्सन के देख लेती हूँ, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज बेसिकली देना चाहते हैं इनके थ्रू। दे आई लव यू टू द मून एंड बैक, आपके पर्सन इस तरह से बोल रहे हैं आपको, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपके मन में डाउट आ रहा था, प्लीज़ उस डाउट को आप रिमूव कर दीजिए, मैं आपसे बोलती हूँ, यू आर डिफरेंट दैट्स वाई आई लाइक यू। आप शायद बहुत डिफरेंट होंगे जिन लोगों को इन्होंने अब तक डेट किया है, या जिनके साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, आपकी यही क्वालिटी है जो उनको बहुत खींचती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग अनकंडीशनल लव उनको एक्सप्रेस करते हो। यू आर माई सनशाइन, आपके पर्सन बोल रहे हैं, यू आर देयर सनशाइन, आप उनको एक बोलते हैं ना एक हैप्पीनेस देते हो जो शायद कोई और नहीं देता है, जो आपको फील कर पाते वो किसी और के साथ में नहीं फील कर पाते। ये क्या आ रहा है, आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट,
यू आर माई सोल मेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। देखो आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा है, ये शायद बहुत सोल टू सोल कनेक्शन है, और वो बोल रहे हैं कि आप उनके हार्ट के अंदर रहते हो, आपको हमेशा अपने साथ में कैरी करते हैं, और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। मतलब बहुत अच्छे कार्ड्स है आपके पर्सन। फिर भी एक कार्ड और ले लेते हैं हम लोग, आई विल बी देयर फॉर यू। अगर आपको डाउट लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ये डाउट निकाल दीजिए, आपके पर्सन हमेशा आपके लिए रहेंगे, आप जब भी उनको चाहोगे तभी। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।